ऐसे लड़के की स्टोरी है जो एक ऐसे गांव से बिलोंग करता है जहाँ पे मोस्टली गैंगस्टर ही पैदा होते हैं, लेकिन इसके फादर इसको एक बहुत अच्छा इंसान बनाने के लिए अपनी गांव से 10 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ाते हैं, इसलिए कि एक अच्छा इंसान बने और ये बनता भी है। और इसका कानपुर IIT के अंदर एडमिशन होता है और ये एक बहुत बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं डिवोटेड डेडिकेटेड बच्चा है अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिसके कारण इसको गैंगस्टर बनना पड़ता है और इसका एक बहुत बड़ा ड्रीम ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने का वो ब्रेक हो जाता है। नहीं, हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे किसी प्रोड्यूसर ने बोला, US के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर अलेक्जेंडर, उन्होंने बोला कि आपको एक हिंदी में इसी का वर्जन बनाना है लेकिन नए स्टाइल में, नेम सेम रहेगा। तो मुझे उसमें ऋषभ का भी चयन किया मैंने, मुझे लगा कि ऋषभ उसके लिए बिल्कुल फिट हीरो है। प्रिपरेशन तो मैं इसकी अराउंड 4-5 ईयर्स से कर रहा था, पहले मैं दिल्ली में था और कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर मेरा आना हुआ था सर, और सर इसके बारे में काफ़ी सुना था मैंने कि सर एक नए लड़कों को बहुत चांस देते हैं और मुंबई जैसे शहर में ऐसा सुनना तो एकदम लगता है, मैंने कहा कि सर से मिलना होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सर के ऑफिस के मैंने काफ़ी बार चक्कर काटे, 7th बार जब मैं पहुंचा तो मेरी सर से मीटिंग हुई और सर ने फिर मुझे लुक टेस्ट के लिए बुलाया और फाइनली फिर मैं डे देख रहा हूँ। उसने बताया ऋषभ ने, क्योंकि कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है और ऋषभ ने उस चीज़ को फॉलो किया, क्योंकि मैं अपनी और शूट्स की वजह से बिजी रहता था और ऋषभ से मिलना नहीं हुआ, लेकिन एक ऑडिशन के अंदर जब मैंने ऋषभ को लुक वाइज देखा फिर हमने इसको लुक टेस्ट के लिए बुलाया ऑडिशन के बाद, और बाद में लगा जब ये मार्शल आर्ट भी सीख रहा है, डांसिंग भी सीख रहा है, इसके एक्टिंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तब हमने इसका ऋषभ का चयन किया। मैंने सुनील पिठारी जी जो मैक्सवेल कंपनी के मालिक हैं उनको हमने दिखाया कि सर ये एक लड़का है जिसको हम लॉन्च कर सकते हैं। सर क्या है, फेथ की बात नहीं होती है, आपको टैलेंट ढूंढना पड़ता है और ये आज का काम नहीं है सर। मैंने ऐसे बहुत लोगों को पहले भी ब्रेक दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि आज वो प्रथा ना चले कि सिर्फ और सिर्फ फिल्म स्टार के बच्चे या डायरेक्टर्स के बच्चे ही लाइफ के अंदर आगे बढ़े, नए टैलेंट को भी ब्रेक मिलना चाहिए और उसके लिए शायद मैक्सवेल जैसी कंपनी कदम उठाती है। सर टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गैंग ऑफ शेरली इसलिए रखा है सर क्योंकि आगे चल के इसका पूरा एक गैंग तैयार हो जाएगा, इसलिए उसका नाम गैंग ऑफ शेरली रखा है और शेरली इसका हमारे हीरो का नाम है। स्टोरी किस तरीके की? स्टोरी एकदम मैंने आपको अभी क्लियर बताया कि स्टोरी एकदम ऐसे लड़की की स्टोरी है जो बहुत पढ़ाकू है, बहुत स्टूडियस है और लाइफ में उसकी ड्रीम फॉरेन में जाके सेटल होने के हैं, जिसने आज तक मेरे ख्याल से कोई कीड़ा भी नहीं मारा होगा और वो लड़का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनता है। किन सर्कमस्टांसिस में बनता है ये आपको फिल्म में नजर आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ गैंग्स ऑफ वासीपुर से, बट ये गैंग ऑफ शेरली इसलिए रखा है क्योंकि गैंग ऑफ वासीपुर में भी आपने देखा होगा कि उनका गैंग था और ये एकदम सेम स्टोरी, मतलब उस तरीके का तो कुछ भी नहीं है। गैंग ऑफ शेरली मतलब गैंग है इसका शेरली का अपना अलग से, दैट्स ऑल। फीलिंग्स एक्साइटेड तो नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था सुन के, लेकिन मैंने कैमरे के सामने मैं जाऊँगा रोता हुआ तो बहुत बुरा लगूंगा तो इसलिए भी रोक रखा है, बाद में सर के साथ रोना है मुझे बैठ के अकेले। वैसे मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था, मतलब मैं को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वाकई सुन रहा हूँ ये चीज़। सर ने मुझे बोला था कि तेरे लिए एक छोटा सा सरप्राइज दूंगा मैं, तो मुझे लग रहा था कि शायद मूवी से रिलेटेड कोई सरप्राइज होगा, लेकिन ऐसा सरप्राइज मैंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेरी थैंकफुल टू हिम कि ऋषभ, एक सवाल आपसे ये कि आपके फैमिली में आपके मदर फादर दोनों डॉक्टर हैं, आपके मेडिकल नहीं, नहीं, सर, हॉस्पिटल भी है। वो डॉक्टर नहीं है वो एजुकेशन प्रोफेसर हैं, डॉक्टर मतलब टीचिंग लाइन में जी, जी, जी। तो आप उनकी इंस्टीट्यूशन में ना जाकर आप एक्टर बनने की कैसे सोचे, क्यों सोचे? सर मेरी मम्मी प्रिंसिपल है और मेरे पापा एक मैनेजर है स्कूल में, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड को कि उन्होंने मुझे वो करने दिया जो मैं करना चाहता था।